हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट। मैं कुलदीप सुतार आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके, एंटोमोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ICAR अपने BHU या PREPG के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो अपने यहाँ पर लेके हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकते हैं उनके बारे में बात करें अपने, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अपने, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यानी आपको सबसे बड़ा फाइलम बताना है कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एंटोमोलॉजी बहुत सिंपल है ना, आपको बिल्कुल इजी करके पढ़ना है। और कुछ भी नई चीज़ अगर आपको लगती है क्वेश्चन के अंदर तो उसको आपको नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है, अपना अपने पेन कॉपी अपने पास में रख के बैठिए, ठीक है। चलो अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? थोड़ी बढ़ा दो तो उसको, फुल है। आवाज़ आ रही है सभी को भी? कम आ रही है ना, आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? स्लो आ रही है आवाज थोड़ी सी। अभी आवाज सही आ रही है? चलो
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अपने टेक्निकली इशू है, हो जाएगा सॉल्व, है ना। आवाज़ आ रही है आप तक, कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर कोऑपरेट करें तब सही हो जाएगा, है ना। तो अपने सब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इन अरेक्निड, अरेक्निड यानी अरेक्निडा क्लास की बात हो रही है। यहाँ पर अरेक्निडा क्लास में अपने फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट, ये अपने ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना। तो इसके अंदर एक बात करें तो सिफेलोथोरिक्स कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर ऑफ, यानी कौन से अपने जो सिफेलोथोरिक्स होता है, सिफेलोथोरिक्स क्या होता है पहले तो ये क्लियर करते हैं। सिफेलोथोरिक्स मैंने आपको क्लास में बता रखा है, सिफेलो का मतलब होता है, सिफेलो का मतलब हो गया हेड, ठीक है, और उसके बाद में थोरिक्स, ठीक है। तो हेड और जो अपने थोरिक्स होता है वो दोनों क्या होते हैं, इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, इसी को बोलते हैं अपने सिफेलोथोरिक्स, ठीक है। तो ये सिफेलोथोरिक्स होता है कौन कौन सी क्लास के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, तो ये एक प्रकार से जो अपने अरेक्निडा क्लास की और उसके अलावा क्रस्टेशिया क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें सिफेलोथोरिक्स प्रेजेंट होता है। तो सिफेलोथोरिक्स प्लस अपने एब्डोमेन दो ही सेगमेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर पूछा गया कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर ऑफ, यानी अरेक्निडा जो फाइलम, ये अरेक्निडा क्लास है, इसके अंदर फोर पेयर क्या चीज़ होती है, विंग्स होती है, वॉकिंग लेग्स होती है, एंटीना होती है, कंपाउंड आइज होती है। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, चलो वेरी गुड। मोस्टली बच्चों का आंसर आ गया टू पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं इनके अंदर, है ना, चलने वाली टांग, सॉरी अपने फोर पेयर होती है, वॉकिंग लेग्स होती है, चलने वाली टांगे होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ खेजड़ी इन राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अपने 100% इसका चांस बनता है कि ये प्री पीजी में आने वाला क्वेश्चन है, ना। इसका आपको सिंपल सा इजी सा आंसर देना है, बिल्कुल, मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी जो अपने एक प्रकार से राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उगने वाला वृक्ष है, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इसके प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट कौन से है, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो ये इंग्लिश मीडियम ऐसे है क्योंकि ये क्वेश्चंस है जो भी ये आपके प्री पीजी के लिए, आईसीआर के लिए, बीएचयू के लिए, तो उसमें आपको अपने एग्जाम पेपर है जो पूरा इंग्लिश में देखने को मिलेगा ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके बीएचयू के लिए, आईसीआर के लिए और इसके अलावा प्री पीजी का जो एग्जाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो चलो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा, तो इसका सही आंसर बिल्कुल फोर्थ जाएगा, वन एंड टू बोथ, यानी अगर फर्स्ट की बात करें अपने एंथोफोरस होता है या अपने डेरोलस होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, खेजड़ी के इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं। इसको अपने बोलते हैं कॉमन नेम इसका क्या होता है, रूट बोरर होता है, क्या होता है, रूट बोरर, खेजड़ी का जो रूट बोरर होता है ये एक प्रकार से राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्लांट होता है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। और इसकी बात करें तो इसको अपने शूट बोरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शूट बोरर के नाम से इसको जाना जाता है, शूट बोरर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं किसके, खेजड़ी के। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्टिज, यानी हैंड कलेक्शन जो टेक्निक है वो किस में आएगा, बायोलॉजिकल मेथड में आएगा, मैकेनिकल मेथड में आएगा, केमिकल मेथड में आएगा, फिजिकल मेथड इसके आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, यानी हाथों से जब कीटों को इकट्ठा करके मारते हैं या उनको खत्म करते हैं तो ये किस प्रकार की तकनीक होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्री पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके, है ना। चलो बताइए, हाँ हिंदी के अंदर मैं इसको ट्रांसलेट करता रहूंगा साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। हाँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहें अपने इसको ट्रांसलेट करके। हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट इज, यानी हाथों से कीटों को अपने मारने की जो क्रिया होती है वो एक प्रकार से किस प्रकार की होती है, तो बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रबंधन होता है, अपने यांत्रिक प्रबंधन होता है, रासायनिक प्रबंधन होता है या भौतिक प्रबंधन होता है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल, किस टाइप का मेथड होता है ये। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्टली बच्चों के आंसर आ रहे हैं, फोर्थ आंसर आ रहा है ना, फोर्थ आंसर आ रहा है, फिजिकल मेथड नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा, हैंड कलेक्शन होगा, वो एक प्रकार से मैकेनिकल मेथड है, कैसा है, मैकेनिकल यानी एक प्रकार से यांत्रिक प्रबंधन होता है, ये प्री पीजी में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते, फिजिकल मेथड्स के अंदर कौन से आएंगे, ध्यान में रखना, फिजिकल मेथड्स में कौन से आते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अजैविक कारक होते हैं, जैसे तापमान हो गया, नमी हो गई, अपने प्रकाश या लाइट हो गई, इनका यूज करके आप इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो फिजिकल मेथड्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल मेथड है वो एक प्रकार से मैकेनिकल मेथड के अंदर आएगा, हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
द मसल्स यूज टू ऑपरेट अपेंडेजेस इन इंसेक्ट्स आर, यानी इंसेक्ट के जो अपने मसल कौन से मसल्स होते हैं जो अपेंडेजेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन जो बॉडी से अटैच होते हैं उनको अपने अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो अपने ऐसी कौन सी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है जो अपेंडेजेस यानी उपांग होते हैं कीटों के, उनको एक प्रकार से चलाने में या ऑपरेट करने में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ पर एबडक्टर, डोर्सल मसल, बेसलर मसल या एक्जिलरी मसल। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां तक हो गया अपना ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपके फर्स्ट जाएगा, यानी एबडक्टर मसल्स होती है जो एक प्रकार से अपेंडेजेस को ऑपरेट करने का काम करती है। एबडक्टर मसल्स होती है वो अपेंडेजेस को ऑपरेट करने का काम करती है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवीजी में पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्जोस्केलेटन फंक्शनल विंग, यानी एक्जोस्केलेटन एक तो क्या होगा एक्जोस्केलेटन होगा, उसके बाद में फंक्शनल विंग होंगे, स्मॉल साइज होगा एंड एग्जापोड लोकोमोशन होगा। एग्जापोड यानी अपनी छह टांगों से चलने का इनमें नेचर होती है। किसमें? इंसेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। आर किस टाइप के ये अडेप्टेशन है, यानी किस टाइप के ये करेक्टरिस्टिक्स है, किस टाइप के अडेप्टेशन है फॉर इंसेक्ट डोमिनेंस इन नेचर, यानी इंसेक्ट अपने नेचर के अंदर डोमिनेट है उसके रीजन क्या क्या है। रीजन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। कई बार क्या होता है इसी का क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि इंसेक्ट है वो डोमिनेंट क्यों है नेचर के अंदर, तो उसके रीजन यहाँ पर अभी तो दे रखे हैं लेकिन कई बार इसका आपने आंसर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या रीजन है? एक्जोस्केलेटन, एक्जोस्केलेटन किसका बना होता है? इंसेक्ट्स का एक्जोस्केलेटन काइटिन का बना होता है ना। उसके बाद में फंक्शनल विंग, फंक्शनल विंग होते हैं अपने एक प्रकार से इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा स्मॉल साइज होता है, इनका साइज क्या होता है छोटा होता है, और इनके अंदर क्या होता है एग्जापोड लोकोमोशन होता है। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? अपने इंसेक्ट्स के अंदर। इसीलिए इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, अपने इंसेक्ट नेचर के अंदर क्या होते हैं बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है किस टाइप के, डेवलपमेंटल है, स्पेसिफिक फूड है, स्ट्रक्चरल है या डिफेंस मैकेनिज्म है, किस प्रकार का है ये, तो इसका आपको आंसर देना जल्दी से। चलो आंसर दीजिए। चलो देखते हैं इसका, अपने इसका अगर आंसर देखें तो जो इसका ये सभी क्या है, जैसे एक्जोस्केलेटन है काइटिन का बना, ऊपर की स्ट्रक्चर है ये, फंक्शनल विंग है विंग्स है, विंग भी एक प्रकार से मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, स्मॉल साइज है, साइज छोटा ये भी एक प्रकार से स्ट्रक्चर का ही हो गया, एग्जापोड लोकोमोशन है यानी इसके अंदर जो लेग्स लेग्स होती है सिक्स लेग्स होती है तो सिक्स लेग से वॉक करता है, इसको एग्जापोड लोकोमोशन बोल सकते हैं। ये सभी किस में आएगा? स्ट्रक्चरल में आएगा ना, तो ये स्ट्रक्चरल अपने एक प्रकार से स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। उसके बाद में आता है सिल्वर फिश बिलोंग टू द ऑर्डर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, सिल्वर फिश का ऑर्डर पूछा गया और कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, सिल्वर फिश का ऑर्डर कौन सा होता है, सिल्वर फिश का ऑर्डर बताना आपको, जल्दी से बताइए। चलो सिल्वर फिश कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, सिल्वर फिश का ऑर्डर पूछा गया, सिल्वर फिश बिलोंग टू द ऑर्डर थायसिनुरा, डिप्लूरा, प्रोटूरा और या कोलम्बोला। एक आपको दे देता हूं मैं कि ये अपने जो चारों ही ऑर्डर यहाँ पर दे रखे हैं, ये चारों ही ऑर्डर कैसे होते हैं? एप्टेरस होते हैं। एप्टेरस का मतलब इनके अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एप्टेरस होते हैं यानी ये प्रकार से विंग लेस होते हैं। कैसे होते हैं? विंग लेस होते हैं। ठीक है, विंग लेस इंसेक्ट है तो उसमें थायसिनुरा, डिप्लूरा, प्रोटूरा, कोलम्बोला तीनों ही विंग लेस होंगे। आपको इसका सही आंसर देना है। सिल्वर फिश कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? वेरी गुड,
मोस्टली बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना। चलो वेरी गुड, थायसिन्यूरा में बताओ ना, थायसिन्यूरा यानी सिल्वर फिश आता है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि सिल्वर फिश की स्टडी कौन सी साइंस में करते हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर फिश वर्ड आ गया तो मतलब ये नहीं है कि एक आपने कोई वो अपने मछली होगी, ये क्या है, एक प्रकार से इंसेक्ट है। सिल्वर फिश क्या है, एक इंसेक्ट है जिसकी स्टडी किस में करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपने थायसिनोरा होता है इसके अंदर सिल्वर फिश आता है और सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसेक्ट नेमली यानी इंसेक्ट का क्या नाम है वो आपसे पूछा गया, इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। यानी जो पार्थेनियम क्या है, एक वीड है, उस वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आपसे पूछा गया है। सिंपल क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा इंसेक्ट है जो अपने पार्थेनियम का बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए अपने यूज किया जाता है या सक्सेसफुली कंट्रोल किया जाता है जिसके थ्रू। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, जाइकोग्रामा बाइकलरेट है या केक्टोब्लास्टिक है या अपने टेलोनीमिया या एक प्रकार से नेकेटिना है, ये इनमें से आपने आपको सही आंसर देना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। क्लास अपनी 9 बजे तक रहेगी है ना, 1 घंटे की क्लास है अपनी, 8 बजे स्टार्ट हुई थी, 9 बजे तक चलेगी। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। मोस्टली बच्चों का सही आंसर आ रहा है, जाइकोग्रामा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर अपने केक्टोब्लास्टिस केक्टोरस की बात करें तो ये एक प्रकार से केक्टस के अगेंस्ट काम आता है। किसके अगेंस्ट काम आता है, केक्टस भी एक वीड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अगर बात करें टिलोनीमिया का, टिलोनीमिया होता है, ये किसके अगेंस्ट काम आता है, तो ये एक प्रकार से लेंटाना कैमरा के अगेंस्ट काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही आपको ध्यान में रखने हैं, यहीं से हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अपने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये जाइकोग्रामा बाइकलराटा पार्थेनियम के लिए, अपने केक्टोब्लास्टिस कैक्टस के लिए, और टिलोनीमिया ये लेंटाना कैमरा के लिए, और अपने नियोकेटिना ये होता है एक प्रकार से जो वाटर आइसिंथ होता है यानी जलकुंभी होती है, उसके लिए एक प्रकार से इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। वाटर आइसिंथ यानी जलकुंभी के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आने वाले क्या है, इंपॉर्टेंट अपने इंसेक्ट्स है जो कि एक प्रकार से वीड के बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आते हैं। उसके बाद में आता है प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन, यानी प्लूमोज टाइप की एंटीना किसके अंदर प्रेजेंट होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लूमोज टाइप की एंटीना किस में प्रेजेंट होती है, प्लूमोज टाइप की एंटीना यानी प्लूमोज प्रकार की सरंगिका किसके अंदर पाई जाती है, ड्रैगन फ्लाई में, कॉकरोच में, या अपने फीमेल मॉस्किटो में, या मेल मॉस्किटो के अंदर, किसके अंदर प्रेजेंट होती है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लूमोज टाइप एंटीना किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जल्दी से आंसर दीजिए। प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन, यानी प्लूमोज टाइप की एंटीना किस में पाई जाती है, ये आप प्लूमोज टाइप की सरंगिका किस में पाई जाती है। हाँ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, है ना, हिंदी में साथ साथ ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। प्लूमोज प्रकार की सरंगिका कौन से कीट में पाई जाती है, ड्रैगन फ्लाई में पाई जाती है, कॉकरोच में, या मादा मच्छर के अंदर, या नर मच्छर के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। संजू कुमार फर्स्ट आंसर, पूजा नाथ फोर्थ, अमित नैन फोर्थ आंसर आ रहा है, वाशु वन आंसर दे रहे हैं। चलो फोर्थ और वन में कन्फ्यूजन चल रहा है ना, तो प्लूमोज का आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना, प्लूमोज एक ही इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है और प्लूमोज एक प्रकार से मेल मॉस्किटो के अंदर होती है। जो भी फर्स्ट आंसर दे रहा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेल मॉस्किटो के अंदर क्या होती है,
ब्लू मोस टाइप की एंटीना प्रेजेंट होती है। अगर बात करें अपने फीमेल मॉस्किटो की, तो फीमेल मॉस्किटो में किस प्रकार की एंटीना प्रेजेंट होती है? पिलोज टाइप की एंटीना प्रेजेंट होती है। किस प्रकार की? पिलोज टाइप की एंटीना प्रेजेंट होती है फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अगर अपने कॉकरोच के अंदर बात करें, तो कॉकरोच के अंदर एक प्रकार से फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट होती है। कैसे एंटीना? फिलीफॉर्म एंटीना प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर अगर बात करें, इसके अंदर सिटेशियस एंटीना प्रेजेंट होती है। सिटेशियस टाइप की एंटीना प्रेजेंट होती है ड्रैगन फ्लाई के अंदर। ठीक है, उसके बाद में चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एरी सिल्कवर्म इज रियर्ड ऑन, यानी एरी सिल्कवर्म किसके ऊपर रियरिंग की जाती है? जो एरी सिल्कवर्म है या अपने टाइप है ये एक प्रकार से सिल्कवर्म का, तो इसको किसके, कौन से प्लांट के ऊपर रियरिंग की जाती है? इसकी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एरी सिल्कवर्म का रियरिंग होती है या इसको किसके ऊपर पाला जाता है, कौन से ओस्ट वृक्ष, जो पोषक वृक्ष है या ओस्ट ट्री है जिसके ऊपर इसको पाला जाता है? तो मलबेरी है, बेर है, टर्मिनेलिया है या एक प्रकार से केस्टर है? आपको सही आंसर देना है। हेमंत आले, अगर आपको आईसीआर की तैयारी करनी है, आईसीआर का प्रिपरेशन करनी है, तो आप जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वहां से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। ठीक है, वेरी गुड। अमित नैन फोर्थ आंसर आ रहा है, वेरी गुड। दहिया एग्री, केस्टर आंसर दे रहे हैं। संजीव कुमार फोर्थ आंसर दे रहे हैं। पूजा नाथ केस्टर, वेरी गुड। सभी का सही आंसर आ रहा है ना, वेरी गुड। हाँ, एरी सिल्क क्या होता है? एक प्रजाति होती है एक प्रकार से सिल्कवर्म की, है ना, जैसे मलबेरी सिल्कवर्म होता है, एरी सिल्कवर्म होता है, ये अपने ओक सिल्कवर्म आता है, अलग अलग टाइप का होता है ना। चलो ठीक है, तो इसका अगर बिल्कुल सही आंसर है केस्टर है, केस्टर के ऊपर इसकी एक प्रकार से रियरिंग होती है, केस्टर के ऊपर इसकी रियरिंग होती है। और जो अपने एक प्रकार से बॉम्बिक्स मोरा ही आता है, जिसको अपने मलबेरी सिल्कवर्म बोलते हैं, उसकी रियरिंग मलबेरी पे होती है। ठीक है, और अपने मलबेरी की जो कल्टिवेशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, जैसे अपने सिल्कवर्म की कल्टिवेशन होती है, सिल्कवर्म रियरिंग करते हैं तो उसको अपने सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। लेकिन अगर मलबेरी के प्लांटेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, मोरिकल्चर बोलते हैं ना। क्या बोला जाता है? मोरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने। बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक वाज डेवलप फॉर रेसिस्टेंट अगेंस्ट, यानी बीटी कॉटन है वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, किसके अगेंस्ट डेवलप की गई है, है ना, किसके अगेंस्ट डेवलप की गई है? हर्बिसाइड, वायरस, फंगस, इंसेक्ट, किसके अगेंस्ट डेवलप की गई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपके प्री पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी, है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो जेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, करण पन्नू, जेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। देखो जो बच्चे बैक्टीरिया आंसर दे रहे हैं वो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़े ढंग से, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन वापस पढ़े उसके बाद में आंसर दे। चलो देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक वाज डेवलप्ड फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट, यानी किसके अगेंस्ट तैयार की गई, ये आपसे पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि बीटी कॉटन किसका हेल्प लेके तैयार की गई, किसका यूज किया गया बीटी कॉटन के अंदर, है ना, वो तो आप उस टाइम आप आंसर दे सकते हैं बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं है, आप फिर भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंसेक्ट के अगेंस्ट तैयार की गई है, और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट ये तैयार की गई है। और यहाँ पर बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन के अंदर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट आते हैं, वो मोस्टली कौन से आते हैं? बोलवर्म आते हैं। तो अपने बोल सकते हैं ये बोलवर्म के अगेंस्ट क्या किए गए हैं, इसको तैयार किया गया है बीटी कॉटन को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंसेक्टिसाइड
फ्लूबेंडामाइड एंड क्लोरोट्रानिलीप्रोल बिलोंग्स टू, यानी ये दो केमिकल आपको दे रखे हैं, इंसेक्टिसाइड है ये दोनों ही, और ये आपसे पूछा गया कि किस क्रॉप से या अपने किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, प्री पीजी के एग्जाम में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जितने भी मैंने क्लास के अंदर ग्रुप्स नोट करवाए थे, उन्हीं सभी ग्रुप्स के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। हेमंत आले जी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप सुबह जो ऑफिस टाइम है अभी है, जैसे 8 बजे से लेकर आपको शाम को 5 बजे तक कभी भी इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता कर सकते हैं ना। बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी आपको ना, अभी आप कॉल कर सकते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। संजू कुमार 4 आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अमित जैन 4 आंसर दे रहे हैं, संजू कुमार 4 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। दैया का 4 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, डायमाइड ग्रुप आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, यानी डायमाइड ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है ये दोनों ही। अगर बात करें तो डायमाइड ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है कौन कौन से, फ्लूबेंडामाइड और अपने क्लोरोट्रानिलीप्रोल, दोनों ही डायमाइड ग्रुप के इंसेक्टिसाइड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वी ऑफ पिंक बॉलवर्म ओवर विंटर इन, यानी जो अपने पिंक बॉलवर्म की लार्वी होती है वो ओवर विंटर कौन सी स्टेज में होती है, या सॉरी अपने कौन सी जगह पर होती है, यानी ये एक प्रकार से ओवर विंटर का मतलब हो गया कि जब अपने एक प्रकार से टेम्परेचर ज़्यादा नीचे चला जाता है, ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस टाइम ये कीट सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं ना। तो वो आपने कौन कहाँ पर जाते हैं, ये अपने सीड के अंदर, स्टेम के अंदर, ड्राई लीव्स के अंदर या सोइल के अंदर, पिंक बोलवर्म का पूछा है आपको। पिंक बोलवर्म की जो लार्वी होती है वो एक प्रकार से ओवर विंटर यानी एक प्रकार से डोरमेंट स्टेज में कौन सी जगह पर जाती है। पिंक बॉलवर्म पूछा गया है यानी गुलाबी सुंडी के बारे में बात हो रही है। ठीक है चलो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। चलो इसका सही आंसर बिल्कुल सोइल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आपको इसको सिंपल सा आंसर देना। जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, कार्पोरा कार्डिया का या कार्पोरा इलाटा, किससे सीक्रेट होता है, कौन सा जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन एक प्रकार से इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में काम करता है, इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये मोस्टली इंसेक्ट्स को इमेच्योर स्टेज में बनाए रखने का काम करता है ना। तो इसका आपको बिल्कुल आंसर देना है, सही आंसर क्या होगा, जुवेनाइल हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, जुवेनाइल हार्मोन कौन स्रावित करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, कार्पोरा कार्डिया का, कार्पोरा इलाटा। चलो जल्दी से आंसर दीजिए।
चलो इसका आंसर आ रहा है, थ्री आंसर आ रहा है, नहीं थ्री आंसर बिल्कुल नहीं होगा। जुवेनाइल हार्मोन आता है कॉर्पोरा एलाटा सीक्रेट करता है इसको। कॉर्पोरा एलाटा एक ग्लैंड होती है जो क्या करती है, एक प्रकार से जुवेनाइल हार्मोन का सीक्रेट करने का काम करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिपायरोप्स मेलानिलुका होता है जो एक प्रकार से कौन से इंसेक्ट का पेरेस्टोइड होता है, ये आपसे पूछा गया है, यानी किस इंसेक्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड है पेरेस्टोइड। पेरेस्टोइड्स क्या होते हैं? पेरेस्टोइड्स एक प्रकार से वो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अदर जो अपने इंसेक्ट्स होते हैं उन पर अटैक करते हैं। अटैक का मतलब उनको किसके यूज में लेते हैं, ओविपोजिशन के काम में लेते हैं, यानी एगलिंग करते हैं उनके ऊपर, उनके अंदर एगलिंग करते हैं जिससे उनकी लार्वा या अपने एग या एडल्ट स्टेज होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है उनको अपने। ये एक प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं। और मैक्सिमम पेरास्टोइड्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं? हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, ध्यान में रखना। मैक्सिमम पेरास्टोइड्स हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पूछा गया एपिपायरोप्स मेलानोलुका है, ये एक एक्सेप्शन है जो किसके अंदर आता है? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है जो कि एक प्रकार से पेरास्टोइड है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें, मैक्सिमम पेरास्टोइड्स हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं और इसीलिए हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर को अपने क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ऑर्डर बोलते हैं। बेनिफिशियल ऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। बेनिफिशियल ऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके मैक्सिमम इंसेक्ट्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, क्रॉप में डैमेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने आंसर देना है। ये एक प्रकार का इंट दे देता हूँ आपको, ये एक प्रकार का एडल्ट पेरास्टोइड है, यानी कि ये क्या करेगा, इंसेक्ट की एडल्ट स्टेज के ऊपर अटैक करेगा, एडल्ट स्टेज के ऊपर अटैक करने वाला होता है। चलो वेरी गुड, थ्री आंसर जा रहा है ना। शुगर केन रूट बोरर, शुगर केन रूट बोरर का बिल्कुल नहीं होगा, ये किसका होगा? शुगर केन लीफ ओपर का होता है। शुगर केन लीफ ओपर जिसको आप किस नाम से जानते हैं? पायरिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पायरिला के नाम से जानते हैं ना, पायरिला। पायरिला शुगर केन का एक प्रकार से रस चूसक कीट होता है ना, रस चूसक यानी सेप्सिकिंग इंसेक्ट पेस्ट होता है पायरिला। तो ये पायरिला का क्या होता है? पेरास्टोइड होता है। ये प्रीपीजी में आपके पूछा गया क्वेश्चन है ना, प्रीपीजी के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। द गोलमेज बिलोंग टू द ऑर्डर, यानी गोलमेज का ऑर्डर पूछा आपसे। गोलमेज होता है वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं? गोलमेज होते हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, गोलमेज कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं? चल देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर गोलमीज है। गोलमीज मोस्टली डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। किस ऑर्डर में आते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, दो आंसर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। चलो नेक्स्ट आता है आइसेरिया परसेसा। ये किसका एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, यानी एक प्रकार से जो इसका कॉमन नेम होता है वो कॉटन क्यूजन स्केल होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉटन क्यूजन स्केल, कॉटन क्यूजन स्केल, कॉटनी क्यूजन स्केल, कॉटन क्यूजन स्केल होता है ना, कॉटन क्यूजन स्केल इसका क्या होता है? अपने कॉमन नेम होता है। अब आपको आंसर देना है सिंपल सा, कॉटन क्यूजन स्केल इसका क्या होता है? कॉमन नेम होता है। अब आपको आंसर देना है कि ये किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है? कॉटन का होता है, बनाना का होता है, सीट्रस का होता है, मैंगो का होता है, किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलो उसका डिप्टेरा होगा ऑर्डर, डिप्टेरा ऑर्डर होगा बिल्कुल, गोलमेज का डिप्टेरा ऑर्डर होता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। आइसेरिया परसेसा है जो, ये इंपॉर्टेंट किसका पेस्ट है? कॉटन क्यूजन स्केल, जिसको बोलते हैं कॉटन क्यूजन स्केल। पूज्यनाथ का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तीन नंबर, बिल्कुल दहिया तीन नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड।
बाकी बच्चों का सही आंसर नहीं आ रहा भैया। यहाँ पर मैंने कॉटन ही लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉटन का होगा, ध्यान में रखना। ये एक प्रकार से एक्जोटिक पेस्ट है, जो किसका होता है, ये एक प्रकार से एक्जोटिक पेस्ट है जो सीट्रस का होता है, ध्यान में रखना ना। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कॉटन क्यूजन स्केल सीट्रस का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, ठीक है, जिसको एल्सेरिया पर्सिसाई बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द इंसेक्ट इन्फेस्टेशन अकर इन सेवर फॉर्म इन ए रीजन और लोकेलिटी एट ए पार्टिकुलर सीजन और टाइम इज कॉल्ड एज, यानी इसको क्या बोलेंगे अपने, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक या ओकेजनल, किस टाइप का पेस्ट होता है ये, यानी ऐसा पेस्ट जिसका अटैक क्या या इन्फेस्टेशन कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा अपने उग्रता से होता है, यानी सेवर यानी बहुत ज़्यादा अपने गंभीरता से इसका अटैक होता है, फॉर्म इन ए रीजन यानी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी या रीजन के अंदर, एट ए पर्टिकुलर सीजन और टाइम यानी एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने उग्रता से उसका अटैक होता है, उसको अपने कौन सा पेस्ट बोले मैं, एंडेमिक, एपिडेमिक या स्पोरेडिक। चलो आंसर दीजिए। वेरी गुड, पिंकी कुमाउत का आंसर आ रहा है एपिडेमिक, वेरी गुड। रोकी मीणा दो आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, एक प्रकार से जो एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक डिजीज होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, उग्रता से होती है, बहुत ज़्यादा अपनी तीव्रता से होती है। लेकिन अगर एंडेमिक की बात करें तो एंडेमिक एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर होता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक होता है, इतना ज़्यादा उग्रता से नहीं होता, लंबे टाइम टाइम ज़्यादा होता है उसमें, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। लेकिन एपिडेमिक की बात करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए या थोड़े टाइम के लिए ही आता है ना, उसके बाद में अपने ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कैसा है, एपिडेमिक इंसेक्ट आएंगे, ठीक है। स्पोरेडिक क्या होता है, स्पोरेडिक एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ओकेजनली कभी कभी जो इंसेक्ट अटैक करते हैं, पर्टिकुलर रीजन का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर कोई इंसेक्ट कभी कभी मान लो बहुत ज़्यादा अपने डैमेज करने लगे, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक बोलते हैं। ओकेजनली यानी वो पेस्ट जो कभी रेयरली ही अटैक करते हैं, रेगुलर ये अटैक नहीं करते हैं ना, कोई मान लो 5-7-10 साल के बीच में क्या हुआ, कभी कभार कोई फेवरेबल टेम्परेचर या एनवायरनमेंट मिल गया इसको, तो ये क्या करता है फिर क्रॉप में ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस करता है, अदरवाइज ये अपने जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है उससे नीचे ही रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, द माइकोप्लाज्मा डिजीज सिसेमम फाइलोडी ट्रांसमिटेड बाई, यानी सिसेमम फाइलोडी या सिसेमम यानी तिल की जो फाइलोडी डिजीज है, जो किससे होती है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा यानी फाइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं, फाइटोप्लाज्मा यानी वो माइकोप्लाज्मा जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, अपने फाइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज है कौन सी, फाइलोडी डिजीज है, उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, ये आपके प्रीपीजी में पूछा गया क्वेश्चन अभी। ओरोसियस होता है या अपने सेस्टियस होता है, नेफोटेटिक्स होता है या थ्रिप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं, हिंट ये है कि जितने भी माइकोप्लाज्मा डिजीज होती है, माइकोप्लाज्मा से होने वाली प्लांट्स के अंदर जितनी भी डिजीज होती है उनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, इनको ट्रांसमिट करने का काम लीफ ऑपर करता है, कौन करता है, लीफ ऑपर करता है। जितनी भी डिजीज होती है सभी को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, लीफ ऑपर, जिसको आप जेसिड बोलते हैं, जिसको आप जेसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब लीफ ऑपर क्या होता है, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग स्पीशीज आती है लीफ ऑपर की, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया सिसेमम फाइलोडी यानी सिसेमम के अंदर कौन से लीफ ऑपर आएगा जो क्या करेगा, एक प्रकार से माइकोप्लाज्मा डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा ओरोसियस होगा, ओरोसियस बिल्कुल सही आंसर है। ये भी क्या है, लीफ ऑपर ही है, ये भी क्या है, लीफ ऑपर ही है, लेकिन ये लीफ ऑपर की स्पीशीज अलग है, हर क्रॉप में अलग अलग लीफ ऑपर की स्पीशीज आती है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने सेस्टियस फाइसिटिस की बात करें, ये एक प्रकार से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को ट्रांसमिट करता है, क्या काम करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो किससे होती है, ये भी फाइटोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा से होने वाली होती है। नेफोटेटिक्स वायरसेंस होता है, ये एक प्रकार से राइस के अंदर डिजीज ट्रांसमिट करने का, राइस की जो वायरल डिजीज होती है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। थ्रिप्स टेबेसा ही होती है, थ्रिप्स क्या करती है, थ्रिप्स भी बहुत सारी डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करती है, और इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है थ्रिप्स, वो किसका होता है, चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है, चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द ट्यूबुलर गल पॉपुलरली नोन एज सिल्वर शूट, यानी सिल्वर शूट एक अपने क्या होता है, सिम्टम होता है, डैमेज सिम्टम होता है, तो ये किस में दिखाई देता है, यानी किसके अटैक के कारण सिल्वर शूट टाइप के अपने सिम्टम्स होते हैं, वो अपने को प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं, किस प्लांट में, राइस के प्लांट के अंदर, इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिल्वर शूट, सिल्वर शूट किसके कारण होता है, सिल्वरी शूट, हाँ बिल्कुल, टुंगरो डिजीज को ट्रांसमिट करता है।
वेरी गुड, जिसका फर्स्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना, ओरसिले ओराइजी होता है ये, एक प्रकार से क्या करता है सिल्वरी सूट कोच करता है, किसके अंदर, राइस के अंदर। राइस के अंदर ये जो जितने भी अपने सिम्टम्स क्लास में पढ़े थे रॉयल के जितने भी स्टूडेंट है ध्यान में रखना, जितने भी अपने सिम्टम्स क्लास में पढ़े हुए हैं ये सभी डैमेजिंग सिम्टम्स है, आपको इनके टर्म्स याद रखने हैं। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो पर्टिकुलर सिम्टम मैंने आपको नोट करवा रखा है उसमें आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके प्री पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट आता है द टू फेज ऑफ लोकस्ट गिवन बाय, यानी लोकस्ट की जो अपने फेज थ्योरी है किसने दी थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकस्ट की फेज थ्योरी किसने दी थी इसका आपको आंसर देना है। चलो वेरी गुड, सबसे पहले अगर अपने ये क्वेश्चन अभी इस बार अपने डब्ल्यू के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी इस बार डब्ल्यू के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपके प्री पीजी के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, यानी टू फेज थ्योरी या फेज थ्योरी है जो लोकस्ट की वो किसने दी थी, उस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो वेरी गुड, पिंकी कुमाऊ, तमीन ने, अमित नैन, संजू कुमार, वेरी गुड, अंजलि चौधरी, रोकी मीणा, दीक्षा, रोहित, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। फर्स्ट आंसर है यूआरओ, ये इसका क्या होता है अपने एक प्रकार से अपने इन्होंने क्या किया था, फेज थ्योरी दी थी। फेज थ्योरी क्या होती है कि इंसेक्ट्स के अंदर अपने स्पेशली लोकस्ट के अंदर क्या होता है, अपने लोकस्ट के अंदर जो लोकस्ट की नेचर होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी ये अपने दो तीन फेज के अंदर रहते हैं, जैसे अपने जनरली सोलिटरी या ग्रीगेरियस फेज में देखने को मिलते हैं। सोलिटरी फेज कब होती है, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में होती है, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में रिप्रोडक्शन रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन कम होती है, तो सोलिटरी फेज के अंदर क्या होता है इंसेक्ट्स सिंगल सिंगल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपने सोलिटरी फेज के अलावा ग्रीगेरियस फेज, तो ग्रीगेरियस फेज कौन सी होती है, ग्रीगेरियस फेज जिसमें क्या होता है फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर जब लोकस्ट को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, फूड प्रॉपर मिलता है, तो वो क्या करते हैं उनमें रिप्रोडक्शन रेट हाई हो जाती है, रिप्रोडक्शन रेट हाई होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रुप में ही अटैक करते हैं, उसको बोलते हैं अपनी ग्रीगेरियस फेज। और ग्रीगेरियस फेज होती है सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच की एक फेज आती है जिसको ट्रांसिएंट फेज बोलते हैं, वो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि अपने इन दोनों के बीच की जो फेज होती है वो ट्रांसिएंट फेज होती है, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्म माइक्रोबियल कंट्रोल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी माइक्रोबियल टर्म फर्स्टली किसने दी थी, किसने यूज किया था वो आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो बिल्कुल ग्रीगेरियस फेज होती है, ज्यादा डैमेज करती है, वेरी गुड, जिसका फर्स्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, स्टेनोस ने यूज किया था ना, स्टेनोस ने ये वर्ड दिया था 1949 के अंदर, कब दिया था 1949 के अंदर दिया था, क्या माइक्रोबियल कंट्रोल, माइक्रोबियल कंट्रोल होता क्या है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आपने बोल सकते हैं एंटोमोपैथोजेंस का यूज करना। एंटोमोपैथोजन क्या होते हैं, एंटोमोपैथोजेंस होते हैं जो इंसेक्ट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अपने क्या करना, इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल करना, उसी को अपने क्या बोलते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल बोलते हैं, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मे फ्लाई बिलोंग टू द ऑर्डर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन होता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, मे फ्लाई बिलोंग्स टू द ऑर्डर, यानी मे फ्लाई का ऑर्डर आपसे पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, मे फ्लाई का ऑर्डर आपसे पूछा गया। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, एम्फीमेरोप्टेरा होता है, डिक्टियोप्टेरा होता है, जोरोप्टेरा होता है, प्लेकोप्टेरा होता है, चलो जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी वेरी गुड,
वेरी गुड, पिंकी कुमावत, अंजलि चौधरी, अमित जैन, संजू कुमार, वेरी गुड, निखिल मालव, राधे श्याम, नहीं बच्चों बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, है ना, बिल्कुल बहुत गड़बड़ चल रही है ना। यहाँ पर अगर देखें, मेफ्लाई का पूछा गया आपसे ना, डिक्टियोप्टेरा किसका होता है? डिक्टियोप्टेरा तो कॉकरोच और मेंटिड का होता है, ये किसका होता है? कॉकरोच और मेंटिड का होता है, इसमें आप क्यों जा रहे हैं? कॉकरोच और मेंटिड का होता है ये तो, मेंटिस, कॉकरोच और मेंटिस का होता है ये तो, इसमें आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपको तो सेकंड आंसर जो दे रहे हैं वो किस क्या सोच के दे रहे हैं? डिक्टियोप्टेरा किसका होता है? कॉकरोच और मेंटिड का होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? मेफ्लाई का पूछा गया, तो मेफ्लाई का ऑर्डर होता है वो एम्फीमेरोप्टेरा होता है ना, ये आपके प्रीपीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इतना कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद में चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मिथाइल यूजिनोल इज फूड अट्रैक्टेंट फॉर, यानी मिथाइल यूजिनोल एक प्रकार से बेट फिरोमोन के रूप में काम आता है, यानी फूड के अंदर मिक्स करके इसको अपने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। तो किसके लिए इसको काम में लिया जाता है? ठीक है, तो इसमें बनाना फ्लाई के लिए, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई के लिए, मेलन फ्रूट फ्लाई के लिए, मे फ्लाई के लिए? चलो जल्दी से आंसर दीजिए। मिथाइल यूजिनोल, मिथाइल यूजिनोल किसके लिए काम में आएगा? मिथाइल यूजिनोल, चलो जल्दी से आंसर दो भैया। मिथाइल यूजिनोल कौन सी फ्लाई के लिए काम में आता है? रतनलाल दो आंसर आ रहा है, डीजे मोनू एक आंसर, संजू कुमार एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बनाना फ्लाई को होती है कि नहीं होती है, पहले ये कंफर्म करो। ऐसे यार कुछ आंसर नहीं देना है, तुक्के लगा रहे होगी। थोड़ा सोच के आंसर देना ना आपको। पांसु वेरी गुड, रतनलाल वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई होगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वांशु का सही आंसर आ रहा है, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई होगा ना, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई है ये, एक प्रकार से मिथाइल यूजिनोल इसके अगेंस्ट क्या आता है, काम में आता है ना। मिथाइल यूजिनोल एक प्रकार से फूड अट्रैक्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है, ये एक प्रकार से ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है ना। इच्छा चांडक बिल्कुल सही आंसर है, पूजा नाथ बिल्कुल सही आंसर है, पिंकी कुमावत वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है अपने, ब्लू बटरफ्लाई आर द पेस्ट ऑफ, यानी ब्लू बटरफ्लाई किसका पेस्ट है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, बाकी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके मिलेंगे। कल भी अपनी क्लास रहेगी तो आपको अपने नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, तो आप कल भी जरूर जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए आप लोग, है ना। ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने एंटोमोलॉजी के रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और जो आपकी प्रीपीजी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए होंगे ये क्वेश्चन 100%, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी आपको नया लगता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और अपने दोस्तों से भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कल की क्लास अपनी रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसको भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। प्रीपीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। देखो बच्चे, प्री पीजी का अपने हिंदी में नहीं है, प्री पीजी का क्या पेपर इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में कैसे ही करोगे उसको, है ना। प्री पीजी ले लो, चाहे आईसीआर जेआरएफ ले लो, चाहे बीएचयू ले लो, सबके पेपर इंग्लिश में आते हैं, फिर आप हिंदी का क्या करोगे उसमें, इंग्लिश में तो करना पड़ेगा ना आपको। चलो थर्ड आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना, मोस्टली जिसका थर्ड आंसर आ रहा है, पल्स
पल्सेज का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है क्या, ब्लू बटरफ्लाई, यानी कुछ ही बटरफ्लाईज की स्पीसीज होती है जो क्या करती है अपने क्रॉप के अंदर डैमेज करती है, बाकी जनरली मोथ ग्रुप से आते हैं, बटरफ्लाईज होती है बहुत कम होती है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें बटरफ्लाई की, तो जैसे ये ब्लू बटरफ्लाई होगी, अनार बटरफ्लाई होगी, अपने लेमन बटरफ्लाई होगी, ये कुछ एक बटरफ्लाईज होती है जो क्या करती है एक प्रकार से डैमेज करती है क्रॉप के अंदर, बाकी जनरली मोथ ग्रुप से आते हैं ना। तो यहाँ पर ये ब्लू बटरफ्लाई होते हैं लाइकनिडी फैमिली की होती है ये बटरफ्लाई, और ये किस में डैमेज करती है, पल्सेज के अंदर डैमेज करती है ब्लू बटरफ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को जमकर शेयर कीजिए, और अपने मिलते हैं कल और नेक्स्ट अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी लेके ही कल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, और ज़्यादा क्लास के अंदर मज़ा भी ज़्यादा आएगा ना। चलो थैंक यू।